फ्यूचर को देखना, भविष्य में क्या रखा है, मैं कैसे कमा सकता हूँ, भविष्य में किस चीज की रिक्वायरमेंट आने वाली है और वो चीज अगर मैं अभी करना शुरू कर दूं। एग्जाम्पल ले लो कैरी मिनाटी का, कैरी मिनाटी का एग्जाम्पल लो, भुवन बाम का एग्जाम्पल लो, मैं मेरा एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं भी कभी कभार पूछा लक क्या होता है। लक इज एक्चुअली आपकी, आपने बहुत समय से प्रिपरेशन करके रखी और एक दिन ना वो अपॉर्चुनिटी खुल गई, बस आपकी प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों मिली, आप लकी हो जाते हो। सेम चीज किसके साथ ही, कैरी मिनाटी के साथ। कैरी मिनाटी वो द फर्स्ट पर्सन, इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने रोस्टिंग शुरू की थी, तब लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब रोस्टिंग का कल्चर आया तो कैरी मिनाटी एकदम से फेमस हो गए, क्योंकि उसी ने शुरुआत की थी। भुवन बाम ने जो मल्टीपल कैरेक्टर की शुरुआत भुवन बाम ने की थी, जब इसका सिनेरियो आया तो भुवन बाम सबसे टॉप पे था। आप टेक्निकल गुरुजी को ले लो, टेक्निकल गुरुजी ने सबसे पहले इंडिया में, मतलब वो जो जब सबसे पहले लोगों में से वो शुमार थे जब टेक्निकल रिव्यू करने शुरू किए थे गैजेट्स के, और आज वो पायनियर है, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा नाम है। फ्लाइंग बीस्ट का एग्जांपल ले लो, व्लॉगिंग में सबसे फेमस नाम है, क्योंकि उस बंदे ने जिस लेवल से व्लॉगिंग वो करते हैं वो उसके पायनियर है। अरे समझ में, आशीष चंचलानी का एग्जाम्पल लो, अमित बड़ारा का एग्जाम्पल लो, वो अपने अपने जोनर में ये जो मल्टीपल टास्किंग करके या फिर फनी वीडियोस बना के, इनोवेटिव वीडियोस बना के फेमस हो